नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव पर जारी हमारे खास कार्यक्रम की कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की हरिहरपुर कला पंचायत, जहां से रब्बे आलम मुखिया प्रत्याशी हैं। रब्बे आलम हरिहरपुर कला पंचायत से बीडीसी और वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि पिछले पंचायत चुनाव में वो मात्र कुछ वोटों से मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके चुनाव अभियान में उमड़ती भीड़ बयां कर रही है कि मुखिया प्रत्याशी के रूप में रब्बे आलम को इस बार जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। रब्बे आलम कहते हैं कि वो बरसों से पंचायत के लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जनता इस बार उन्हें मुखिया पद पर सुशोभित करेगी। रब्बे आलम कहते हैं कि अगर वो मुखिया बने तो पंचायत में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जिला सिवान के गोरिया कोठी प्रखंड के हरिहरपुर कला पंचायत से मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं और इनके नामांकन में जो जन सैलाब उमड़ के आया था, ऐसा लग रहा था कि मानो सांसद और विधायक का नामांकन हो। जबरदस्त तरीके से जनता ने इनका जोरदार स्वागत किया। समर्थन ऐसा मिल रहा है कि पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, जो विरोधी हैं, उनमें खलबली मच चुकी है। रब्बे आलम जी, स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के विशेष अभियान में, क्योंकि आप मुखिया उम्मीदवार हैं हरिहरपुर कला पंचायत से। क्या मुद्दा रहेगा पंचायत के चुनाव में यहाँ से आपका? मेरा नाम रब्बे आलम। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम रब्बे आलम और हम मुखिया के प्रत्याशी हैं जी। हमने 5 साल बीडीसी का चुनाव जीते हैं, 5 साल पहले 2011 में, और अभी मुखिया में इसको बाद में हारे हैं 34 वोट से। 19 आदमी ने मिलकर हमको हराया है, 10-5 काट करके। उसको बाद में हमने सोचा कि इस बार हमने और मेहनत करें। हार कर भी हमने जनता के बीच में गया और हर जनता को काम लेकर के ब्लॉक और मान लो कि जिला में गए। वहाँ पर जाकर अपना काम उन लोगों का काम किया और उसको बाद में हम ब्लॉक पर हमेशा भी रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, किसी को काम लेकर के हम चले जाते हैं, काम करा देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि नया पंचायत का रीति रिवाज बदल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मुखिया बनता है वो विधायक हो जाता है, बैठ कर रहता है और काम घूम कर नहीं करता है, और लोग आते हैं उनको पास में तो कोई होता है नहीं होता है ना। और हम कहते हैं कि हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमको घर घर पहुँच कर, हर 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 जनता के घर पहुँच कर वहाँ पर जा कर के पूछें कि आपको क्या हाल है, क्या कमी है, कम बेसी है, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जमीनी सच्चाई यह है कि हरिहरपुर कला में आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रहे हैं, उस परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। राशन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज भी राशन कार्ड नहीं है। इस तरह के लोगों की संख्या कितनी होगी? आप घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं, 200 से कम नहीं होगा नहीं मिलने वालों की संख्या। अच्छा, ये स्थिति है। किसी को लेटरिन बना है तो पैसा भी नहीं मिला है और यहाँ पर ऑडिट हो गया है कि हमारे पंचायत में बन चुका है। अच्छा, यानी स्वच्छता मिशन जिसको लेकर के सरकार व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चला रही है, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया जा रहा है। व्यवहारिक रूप से यह नारा तभी सफल होगा जब पंचायत में जनता जागरूक हो जाएगी और हर घर में स्वच्छ नल का जल होगा, शौचालय की व्यवस्था होगी। लेकिन हरिहरपुर कला में यहाँ मुखिया उम्मीदवार रब्बे आलम ने कहा कि स्वच्छता मिशन यहाँ हर तरह से फेल्योर है। और स्वच्छ जल की बात करें तो जगह जगह पाइप फटा हुआ है और पानी की सप्लाई जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। अगर आप हरिहरपुर कला पंचायत से मुखिया के पद पर चुने गए, लगातार आप तो जनता के सेवा में लगे हैं, अपना काम छोड़ करके जनता की समस्या दूर करने के लिए प्रखंड पर हमेशा रहते हैं, तो क्या इसकी मजदूरी जनता आपको देगी? एकदम देगी। हाँ। एकदम देगी, जनता पर विश्वास, एकदम पर विश्वास हमको कि एकदम काम कर रहे हैं, उसका मजदूरी जरूर मिलेगा। अच्छा, बीडीसी का चुनाव आप लड़े थे, कितना वोट से जीते थे? 550 वोट से जीते थे। अच्छा, जब ब्लॉक में कोई नहीं उतना वोट लिया था, कोई पद से नहीं लिया था। किस तरह का काम आपने किया बीडीसी पद पर रहते हुए? जितना भी काम आया हम पब्लिक के बीच में दिया, अब पब्लिक दे करके वो काम करा दिया। अच्छा, जनता की सेवा आपने किया? एकदम किया है। किस तरह का काम आपने किया, कुछ काम के बारे में बताइए। क्या क्या मैं हम मान लो कि बाजी तुमने 2 काम किए, एक रामपुर में किए हैं। हाँ। वो आज तक बरकरार है। हाँ। बरकरार है, बढ़िया से है।
हैं आया, आजकल का जो बन रहा है एक साल भी नहीं चल रहा, टूट रहा है। अच्छा, सही ढंग से नहीं हो पाया, सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से हमने अपील कर रहे हैं कि सोच समझ के वोट दें, और एक बार मौका दें आपको सेवा करने का। यानी जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार सेवा का मौका दें, हम मौका दें आपके पंचायत से, अगर जनता आपको सेवा का मौका दी तो आप क्या करेंगे? घर घर घूम कर उन लोगों सेवा का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे यही कि जनता के सेवा करने के लिए इनका शौक है, हम लोग का देखने में आता है कि जनता के सेवा करेंगे, इन पर विश्वास है, इन पर विश्वास है। बाकी जो आता है प्रत्याशी, जो भी मुखिया या कोई पद लेके, वो लोग बड़ा बड़ा आदमी है, छोटा छोटा पद आता है वो लोग लूट के खा जाता है। अच्छा, कोई काम पद होता नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। रब्बे आलम मुखिया उम्मीदवार है हरिहरपुर कला पंचायत से, पंचायत की जनता इनको जोरदार समर्थन दे रही है। तस्वीर सामने आप देख सकते हैं कि पंचायत की जनता इनके पक्ष में गोलबंद हो रही है, जोरदार तरीके से इन्हें समर्थन दे रही है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया इन्होंने पूरा कर लिया है, जनता की अदालत में है। रब्बे आलम जिंदाबाद, 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 रब्बे आलम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यहाँ का मुखिया कैसा हो, यहाँ का मुखिया कैसा हो, रबे आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, रबे आलम जिंदाबाद, 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 रबे आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियरपुर कला की जनता जिंदाबाद। ये समर्थन कैसा लग रहा है? जनता आपके पीछे जो है गोलबंद हो रही है। बहुत खुश है कि लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, जनता जनता समर्थन दे रही है, पब्लिक का समर्थन मिल रहा है। हाँ, पब्लिक के समर्थन, तो हम सेवा करेंगे उन लोगों को, सेवा करने का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, सेवा करने। तो आप देख सकते हैं कि जो नौजवान हैं वो तो खैर उनके पास एनर्जी है, ताकत है, वो अपना जोरदार समर्थन दे रहे हैं। बुजुर्ग लोग जो कि काफी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, उनका हौसला देख करके लग रहा है कि बुजुर्गों के अंदर भी जवानी का ताकत आ गया है। आपके पंचायत में कुल कितने गाँव हैं? हमारे गाँव चिठई है, रामपुर है, और हरिहरपुर कला, हरिहरपुर खुर्द और बाजितपुर है। अच्छा, हम लोगों ने देखा है, पब्लिक भी बता रही है कि आप अपना काम छोड़ करके पंचायत के जनता के काम के पीछे पागल रहते हैं, और पूरा समय निकाल करके ब्लॉक पर आप घूमते हैं, जिला में जाते हैं, इस तरह का मतलब जुनून आपको कैसे मतलब मिलता है? जुनून मिलता है कि हम लोग सेवा करते हैं तो हमको खुशी होती है। जी जी, जन सेवा, जन सेवा करते हैं तो खुशी होती है, इसलिए अपना काम नहीं करके पब्लिक का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रब्बे आलम ने कहा कि मेरा सपना है पंचायत की जनता का सेवा, और जनता के सेवा को ही मैं कर्म समझता हूं, जनता मालिक ही। अगर सेवा करने का मौका मिला तो पूरे हरिहरपुर कला को पंचायत के मामले में काफी आगे ले जाने का सपना है। अब अपील क्या करेंगे जनता से चुनाव को लेकर के? जनता से अपील करेंगे हमको वोट दीजिए और अपना काम कराइए, सेवा करिए, सेवा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।